पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर संत समाज ने अयोध्या धाम के मानस भवन में प्रेस वार्ता की। संत समाज की मांग है कि ट्रस्ट सामने आकर अपने आप को निर्दोष साबित करे या फिर सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। संत पवन शास्त्री ने कहा कि अयोध्या की गरिमा पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची। अयोध्या में रामराज की परिकल्पना की गई थी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना की गई थी। जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है उसके ऊपर आक्षेप लगा है और इस पर किसी सरकारी जांच की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट सामने आए और अपने बात आपको निर्दोष साबित करे। राम जी की परिकल्पना की थी, श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण की कल्पना की थी। जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है, राष्ट्र का मंगल होना है, उसके ऊपर जब आक्षेप आया है तो स्पष्ट रूप से मैं यही मांग कर रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर अगर ये आरोप लगा है तो किसी जांच की जांच, सरकारी जांच कैसे चलती है, सब लोग अब भारतवर्ष के लोगों को जानने की कमी नहीं है, सरकारी जांच कैसे चलती है और कब कब वो फाइलें कहाँ रुकती हैं और कब आकर के प्रकट होती है। हम सरकारी जांच के पक्ष में कदापि नहीं हैं। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिन लोगों के ऊपर, संपूर्ण ट्रस्ट के ऊपर आरोप नहीं है, कतिपय सदस्य और पदाधिकारियों के ऊपर आरोप है, तो मेरा यह मानना है, मैंने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर निष्पक्षता को, निष्कलंकता को साबित करने के लिए राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया तो ये लोग अपने पद का भी त्याग कर सकते हैं और अपनी निष्पक्षता, निष्कलंकता साबित कर सकते हैं, वो ऐसा करके बताएं। अयोध्या के मन पर जो आघात हो रहा है उस आघात का जांच, उच्च स्तरीय जांच, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय भी इसमें सम्मिलित हों, प्रधानमंत्री महोदय सम्मिलित हों, मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हों और इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, क्योंकि अयोध्या की गरिमा, अयोध्या की महिमा, संतों की प्रतिष्ठा और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये शर्मिंदगी का विषय है। जिन लोगों ने दान दिया वो सवाल कर रहे हैं, हमने पैसा मंदिर की भव्यता के लिए दिया था, मंदिर बनाने के लिए दिया था, प्रॉपर्टी डीलर डीलिंग करने के लिए नहीं, जमीन का व्यापार करने के लिए नहीं। और अयोध्या से हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महेंद्र, तमाम साधु संतों ने बैठक करके उच्च स्तरीय जांच की मांग कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो साधु संत हैं उनका एक गुट ये भी कह रहा है कि जो ट्रस्ट है उनको सामने आकर सारी बातें और सारी सच्चाई बतानी चाहिए। जी धीरेन, चूंकि ये मामला जो है आजकल सुर्खियों में है, चूंकि जो है राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के जमीन खरीद फरोख्त के मामले में तमाम आरोप लग रहे हैं, विपक्षी दल हमलावर हैं, उनका कहना है कि जमीन खरीद में घोटाला हुआ है। अब कहीं न कहीं संतों से भी जो है ये भक्त उनसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी हमने तो चंदा दिया था राम मंदिर निर्माण के लिए, तो ये क्या घोटाला हो गया। इसलिए संत भी आहत हैं, वो चाह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर ट्रस्ट पे आरोप सही पाए जाते हैं तो ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। इस तरह की संतों ने मांग किया है कि इसकी जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराए, जिससे राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए और भक्तों को जो है कोई गलत जानकारी ना मिले, सही जानकारी जाए। इस वजह से संतों ने इसका विरोध किया है बैठक करके।